इसराइल और हमास की जंग जारी है। इसराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। ऐसे में टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के लिए आवाज उठाई है। दरअसल सानिया ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी शेयर की है। इन इंस्टा स्टोरीज के जरिए सानिया ने पीड़ित लोगों के खाने पीने और बिजली की व्यवस्था पर रोक लगाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके पक्ष में हैं, लेकिन कम से कम मानवता तो होनी चाहिए। सानिया मिर्जा ने अपनी पहली स्टोरी में लिखा, कितनी अजीब बात है कि बमबारी हो रही है और उनका विश्वास पहाड़ों जैसा अटल है, और हम यहाँ जब अपने घरों में सोते हैं तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। सानिया मिर्जा ने एक और स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी तरफ हैं, आपके राजनीतिक विचार क्या हैं, आप न्यूज में क्या सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम कम से कम 20 लाख से ज्यादा निर्दोष आबादी वाले शहर के लिए बंद किए गए खाने पीने और बिजली की बात पर सहमत हो सकते हैं या नहीं? वो ऐसे लोग हैं जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, बमबारी के दौरान छुपने का कोई ठिकाना नहीं है, और उनकी आधी आबादी में बच्चे हैं। क्या ये मानवीय संकट कुछ बोलने लायक नहीं है? गौरतलब है पिछले करीब एक महीने से हमास और इसराइल के बीच जंग जारी है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान गाजा पट्टी में रहने वाले लोग उठा रहे हैं। इस युद्ध में अब तक फिलिस्तीन के 8,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 3,342 बच्चे शामिल हैं और 20,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।